दोस्तों, आज हम आपको फैक्ट्री में ऐसी ऐसी चीजें बनती हुई दिखाएंगे जिन चीजों के बारे में हर किसी को पता होना चाहिए कि आखिर ये सब चीजें बनती कैसे हैं। और अगर आप भी इन चीजों को बनता हुआ देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, शैम्पू फैक्ट्री मेकिंग। दोस्तों, शैम्पू एक ऐसी चीज है जिसे हर उम्र के लोग इस्तेमाल करते हैं जो आपके बालों को साफ सुथरा रखता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर शैम्पू बनाया कैसे जाता है। दोस्तों, शैम्पू बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े से मिक्सर में पानी भरकर इसमें स्टाई अल्कोहल, सल्फ्यूरिक एसिड, शैम्पू को रंग देने के लिए पिगमेंट और यूरिया डालकर अच्छे से मिक्स कर दिया जाता है। फिर एक कन्वेयर बेल्ट पर शैम्पू की बोतलों को रखा जाता है और आगे भेजा जाता है। फिर इन बोतलों में शैम्पू भरा जाता है और शैम्पू भरी हुई बोतलों को कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे भेजा जाता है। फिर इन बोतलों पर ढक्कन लगाकर इन्हें बंद कर दिया जाता है और इन्हें आगे भेजा जाता है। आखिर में कंपनियां इन शैम्पू की बोतलों पर अपनी अपनी कंपनियों के लेबल लगा देती है। इस तरीके से शैम्पू को फैक्ट्री में तैयार किया जाता है। नंबर टू, बेबी डायपर्स मेकिंग मशीन्स। दोस्तों, बेबी डायपर्स बनाने के लिए इस मशीन में एक साथ दो खास तरह के रोल लगाए जाते हैं जिन्हें सेलुलोस पल्प कहा जाता है। ये सेलुलोस पल्प पॉलीथाइलीन और पॉलीप्रोपाइलीन से मिलकर बनते हैं। फिर बच्चों के यूरिन को अब्सॉर्ब करने के लिए सोडियम और पॉलिस्टर को ये मशीन प्रेस करके लगा देती है। फिर जब ये मशीन इन्हें डायपर्स की शक्ल दे देती है तो इनके एक एक पीस करके ये मशीन कन्वेयर बेल्ट के जरिए इन डायपर को आगे भेजती है जहां पर इन डायपर्स को पैक किया जाता है और आखिर में इन डायपर्स को पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। नंबर थ्री, फाउंडेशन फैक्ट्री मेकिंग। दोस्तों, फाउंडेशन को हर लड़का और लड़की रंग गोरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर फाउंडेशन बनाते कैसे हैं। फाउंडेशन बनाने के लिए एक बड़े से मिक्सर में पानी डाला जाता है। फिर इसमें जिंक ऑक्साइड पाउडर, एलोवेरा जेल, चावल का आटा, कोकोआ पाउडर और क्ले पाउडर को डालकर इसे मिक्स कर दिया जाता है। फिर इसमें शी बटर डालकर मिक्स किया जाता है और अब ये बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाता है। फिर इस फाउंडेशन को मशीन की मदद से बोतल्स में डाला जाता है और इसके पीछे के हिस्से को ये मशीन प्रेस कर देती है। प्रेस करने के बाद इसके ऊपर वाले ढक्कन लगाए जाते हैं और आखिर में इन्हें बॉक्सेस में पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। नंबर फोर, फेयर एंड लवली क्रीम फैक्ट्री मेकिंग। दोस्तों, क्या आपको पता है कि फैक्ट्री में फेयर एंड लवली क्रीम कैसे बनती है। फेयर एंड लवली क्रीम बनाने के लिए कई चीजों की जरूरत पड़ती है जैसे डिस्टिल्ड मोनोग्लाइसराइड्स, सिट्रिक एसिड, स्टील अल्कोहल, स्टीरल अल्कोहल, ब्यूटीलेटेड हाइड्रोक्सीट्यूलिन, कार्बोपोल, ग्लैसरीन, मिनरल ऑयल, मिथाइल पैराबिन, प्रोपाइल पैराबिन और वाटर। फेयर एंड लवली बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े से मिक्सर में मिल्क डाला जाता है। फिर इस दूध में मिनरल वाटर डाला जाता है और फिर इस मिक्सर में फेयर एंड लवली क्रीम के सभी इंग्रेडिएंट्स को डाला जाता है। फिर मिक्सर को चलाकर सभी चीजें अच्छे से मिक्स होकर एक क्रीम में तब्दील हो जाती हैं। फिर इस क्रीम को मशीन की मदद से बॉक्सेस में भरा जाता है। ये मशीन बड़ी ही तेजी से क्रीम को बॉक्सेस में भर देती है। फिर कन्वेयर बेल्ट के जरिए ये फेयर एंड लवली आगे जाती है जहां पर बॉक्सेस के पीछे का खुला मुंह ये मशीन प्रेस कर देती है। फिर आखिर में ये मशीन इस क्रीम को कार्डबोर्ड के बॉक्सेस में पैक कर देती है। इस तरीके से फेयर एंड लवली क्रीम को फैक्ट्री में तैयार किया जाता है। नंबर फाइव, हनी फैक्ट्री मेकिंग। दोस्तों, शहद एक ऐसी चीज है जो रोजमर्रा जिंदगी में काम आता रहता है, लेकिन आप जो मार्केट से किसी भी कंपनी का शहद खरीद कर खाते हैं, क्या आपको पता है कि वो शहद फैक्ट्रियों में कैसे बनाया जाता है। शहद बनाने के लिए सबसे पहले शहद की मक्खियों की खेती की जाती है। उसके लिए कंपनियां इस तरह के लकड़ी के बॉक्स बनाती हैं जिनमें शहद की मक्खियां रहती हैं। ये मक्खियां आसपास के फूलों पर से रस पीकर अपने लकड़ी के बॉक्स में इस रस को इकट्ठा करती रहती हैं और इस लकड़ी के बॉक्स में ये मक्खियां एक बड़ा सारा शहद का छत्ता तैयार कर लेती हैं। जब छत्ता पूरे तरीके से तैयार हो जाता है तो इन मक्खियों पर धुआं डालकर इनको भगा दिया जाता है और शहद का छत्ता निकाल लिया जाता है। फिर फैक्ट्री में ले जाकर इन छत्तों को मशीन में डाल दिया जाता है जहां पर मशीन इन छत्तों के ऊपर से वैक्स के कवर को उतार देती है। अब बाकी से बचे हुए हनी वाले हिस्से को इस घुमावदार मशीन में लगाकर सारा शहद निकाल लिया जाता है। फिर
शहद को कांच की बोतलों में भरा जाता है और बोतल के ऊपर ढक्कन लगाकर कंपनी अपने लेबल लगा देती है। इस तरीके से फैक्ट्री में शहद तैयार किया जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से इन सब चीज़ों को फैक्ट्री में तैयार किया जाता है। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर लाजमी बताइए, और अगर आप इस तरह की मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल वारस टेक को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।